तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जिसे अब भेद किले में तब्दील कर दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में जल जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या 22 जनवरी को आम जनता के लिए बंद रहेगी। 22 जनवरी को बिना निमंत्रण वालों को भारी परेशानी हो सकती है। सुरक्षा में सीआरपीएफ से लेकर यूपी पुलिस की तैनाती की गई है। भारी वाहनों की आवाजाही पर इस दिन रोक रहेगी। पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहली बार यहां चेहरे की पहचान करने वाले एआई कैमरे लगाए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की बड़ी मशहूर हस्तियां जुटेंगी। इस मौके पर अयोध्या में लगभग 13,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का अभेद सुरक्षा घेरा होगा। यूपी एटीएस के कमांडो और जवानों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए उसे और पुख्ता बनाया गया है। इसके लिए एटीएस का एक बड़ा जत्था रामनगरी पहुंच चुका है। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियों के जरिए निगरानी कर रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान और सरयू नदी के तटों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों की माने तो आईबी और रॉ के अधिकारियों ने भी अयोध्या में डेरा डाल रखा है। कई स्तर पर सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा की जा रही है। ओएफसी लिंक कैमरे भी लगाए गए हैं। 12 एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से रेड और येलो जोन को सुरक्षित रखा गया है। 5 किलो के रेडियस में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को लोकेट कर निष्क्रिय किया जा सकता है। अयोध्या आने वाला हर शख्स पुलिस की चौकस निगाहों में होगा। जाहिर है जरा सा संदिग्ध दिखे नहीं कि सवालों के घेरे में। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में उनकी सुरक्षा का खास तौर पर बंदोबस्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 1,000 ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। उनके सुरक्षा घेरे में 3 DIG, 17 SP, 40 ASP, 82 DSP, 90 इंस्पेक्टर के साथ 1,000 से ज्यादा कांस्टेबल, 4 कंपनी PSC तैनात रहेंगी। निगरानी के लिए 10,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जिन लोगों के दुकानों और घरों के सामने CCTV कैमरे लगे हैं, उनको भी पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। कार्यक्रम के दौरान दूर दूर तक निगरानी रखने और किसी भी लॉन्ग रेंज अटैक को काउंटर करने के लिए स्नाइपर की भी तैनाती की गई है। पुलिस के अलावा अधिकारियों की माने तो अयोध्या में माइक्रो लेवल तक सुरक्षा की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य चेहरे होंगे। मौजूदा वक्त में जो भी देश का बड़ा नाम है वो इस समारोह में शामिल होगा। आमंत्रित मेहमानों के अलावा लाखों की संख्या में आमजन सरयू किनारे बसेरा करेंगे। ऐसे में कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसके लिए CRPF की 6 कंपनी, PSA की 3 कंपनी, SSF की 9 कंपनी, ATS और STF की 1-1 यूनिट तैनात की गई है। ये सब तो 24 घंटे तैनात रहेंगे ही, लेकिन बंदोबस्त इसके अलावा भी है। 300 पुलिसकर्मी, 47 फायर सर्विस, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बम स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा राम मंदिर तक जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की निगरानी होगी। अयोध्या रेंज के IG प्रवीण कुमार के मुताबिक करीब 11,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल अयोध्या में तैनात किया गया है। सरयू नदी में निगरानी करने के लिए जल पुलिस को अतिरिक्त हाई स्पीड बोट मुहैया कराई गई है। सुरक्षा एजेंसियों की नजर जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम तैयार किए गए हैं। आने जाने वालों की फिजिकल चेकिंग के अलावा उच्च स्तरीय सुरक्षा तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। लोगों की पहचान की जांच की जाएगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।